हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स लर्न इट तो आज का वीडियो है बी एस सेमेस्टरफाई कंपलसरी इंग्लिश में ग्रामर टॉपिक टेंस के लिए तो यहाँ पे अभी हम टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन इसके जो कुछ सेंटेंस है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो ये जो रूल्स होते हैं इम्पोर्टेंस वो आपको एग्जाम में सेंटेंस सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस है कुमार डज नॉट ब्लैंक इन स्कूल और आपके पास ऑप्शन से वर्क्स वर्क एंड वर्क तो यहाँ पे आपको इस ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है कौन सी बातों पे आपको ध्यान देना है तो सबसे पहले आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है उसका टेंस चेक करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर चूज कर पाएंगे तो फर्स्ट ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में सेंटेंस है तो यहाँ से ये जो ऑप्शन से वो ऑप्शन है वो हट जाता है सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी प्रेजेंट uh, इंडेफिनेट में तो हमें अब इन दोनों में से चूज़ करना है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है कुमार तो कुमार यहाँ पे कौन है वो थर्ड पर्सन में आता है एंड वो है सिंगुलर तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो जो मैन वर्ब होती है सेंटेंस की तो उसमें लगता है एस तो एस लगता है लेकिन यहाँ पे हम एस ये वर्ग्स को भी चूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि कुमार है देन डज नॉट तो डज नॉट जिस भी सेंटेंस में डज नॉट आता है वहाँ पे जो उसकी मैन वर्ब होती है उससे जो एस होता है वो हट जाता है तो यहाँ पे डज नॉट तो यहाँ पे डज डू do के साथ ऑलरेडी ई एस लग गया है तो हम जहाँ पे भी डू के साथ ऑलरेडी ई एस लग जाता है तो उस सेंटेंस में वो सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है फिर भी हम वहाँ पे उसकी वर्ब में एस नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आएगा वर्क तो इसका आंसर है वर्क कुमार डज नॉट वर्क इन स्कूल तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही ब्लैंक मुंबई लास्ट ईयर और आपके पास ऑप्शंस है लीव लेफ्ट एंड लिविंग तो यहाँ पे सेंटेंस को आप चेक करना है कि कौन से टेंस में है तो यहाँ पे है लास्ट ईयर तो ये हो गया पास्ट तो पास्ट है तो यहाँ पे लीव भी नहीं आ सकता और लिविंग भी नहीं आ सकता क्योंकि ये आ, पास्ट इंडेफिनेट है तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट तो ही मुंबई लास्ट ईयर नेक्स्ट सेंटेंस है कृपा ब्लैंक टीवी तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है मीन्स वैन ह मदर अराइड तो जब ये पास्ट की बात हो रही है मीन्स पास्ट में जब उसकी मदर घर पे आती है तो तब कुछ चीज़ हो रही होती है तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटीन्यूस में आता है वॉज वॉचिंग या फिर वर वॉचिंग तो यहाँ पे कृपा जो है वो थर्ड पर्सन है मीन्स सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके लिए आएगा वॉज वॉचिंग कृपा वॉज वॉचिंग टीवी वेन हर मदर अराइव मीन्स कृपा टीवी देख रही थी जब उसकी मदर आई नेक्स्ट सेंटेंस से बाय द टाइम अंकित्री स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक तो यहाँ पे दो क्रियाएं है एक सेंटेंस में मीन्स की कोई क्रिया होती है उससे पहले एक क्रिया हो गई है तो यहाँ पे बाय द टाइम अंकित रीज तो अंकित का स्टेशन पे पहुँचना उससे ये जो क्रिया हुई अंकित का स्टेशन पे पहुँचना उससे पहले एक और क्रिया हो चुकी है वो है ट्रेन का वहाँ से निकल जाना तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट तो ये हो गया अंकित का स्टेशन पे पहुँचना हो गया पास्ट एंड ट्रेन का वहाँ से निकल जाना हो गया पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट के लिए आएगा हैड हैड डिफार्टेड बाय द टाइम अंकित रिस्टेशन द ट्रेन हैड डिफार्टड तो यहाँ पे आएगा हैड डिफार्टड द नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन ब्लैंक फ्लेइंग फॉर आर्स तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है या फिर हैज़ बिन तो यहाँ पे हमें चूज करना है इसका सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है चिल्ड्रन uh, यानी वो सब्जेक्ट है प्लूरल तो उसकी हेल्पिंग uh, वर्ब भी आएगी प्लूरल तो यहाँ पे आएगा हैव बीन चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर आर्स देन नेक्स्ट सेंटेंस है करण ब्लैंक क्रिकेट इन द स्कूल नाउ तो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कौन सा आएगा इज प्लेइंग करण इज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल नाउ बिकॉज करण जो है वो सिंगुलर है थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे इज आएगा करण इज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल नाउ देन नेक्स्ट सेंटेंस है सी ब्लैंक हेल्प मी इन माई वर्क ईफ आई ओ बे हर इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर के लिए आएगा यहाँ पे व्हील सी विल हेल्प मी इन माई वर्क इफ आई ओबे हंस्ट्रक्शन तो ये है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस इसी लिए यहाँ पे आएगा ओनली व्हील देन नेक्स्ट सेंटेंस है एट दिस टाइम टुमोरो ही ब्लैंक हैविंग मीटिंग विद हिस बॉस तो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस में तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है विल बी एट दिस टाइम टूमोरो ही विल बी हैविंग मीटिंग विद हिस बॉस देन नेक्स्ट सेंटेंस है बाय द नेक्स्ट सेमेस्टर आई ब्लैंक कंप्लीटेड ऑल माय प्रोजेक्ट्स तो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आता है विल हैव तो यहाँ पे आएगा बाय द नेक्स्ट सेमेस्टर आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माय प्रोजेक्ट्स सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू